नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बताएंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो यहां से एक गजब की तेजी आप में इसमें देखने मिल सकता है। एक अच्छा खासा जो है आप रिटर्न यहां से अर्न कर सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एप्पल इंडिया दिया होगा, अगर आपने उसमें पोजिशन लिया होगा अभी आप बिल्कुल प्रॉफिट में होंगे। थोड़ा सा उसमें जो पहले दिन मैंने दिया था एप्पल इंडिया, उसमें अपर सर्किट लग गया था, तो आपको जिस दिन सर्किट लगते हुए देखे उस दिन थोड़ा अवॉइड करना है। जब कन्फर्म रूप से अच्छे से आपको मिलता है ट्रेड या पोजिशन ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग जो भी हो, जिसके लिए भी आप ले रहे हैं, तो वहां पर आपको जो है वेट करना है अच्छे से। जिस लेवल पर दे रहे हैं उस लेवल के ऊपर जब वो अच्छे से ट्रेड करने लगे तब पोजिशन बनाना है। तो आज है HLE ग्लासकॉट, ये काफ़ी बेहतरीन शेयर है। इस शेयर को मैं काफ़ी लेट से थोड़ा देख पाया, मेरे पोर्टफोलियो में ये शेयर था। इसको ट्रैक करने के लिए मैंने एक क्वांटिटी बहुत पहले ही बाय किया था 1800 से, वो गिर करके आ गया था लगभग 1300 रुपया। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर टॉप पर मैंने पहले बाय किया था इसको सिर्फ ट्रैक करने के लिए। यहाँ पर तो यहाँ से यहाँ आ गया था, एक ही क्वांटिटी मैं उस समय बाय किया था, तो यहाँ जब आ गया था तो ये लगभग 30% निगेटिव रिटर्न दिखा रहा था। तो वहाँ से जब तेजी आया था, देखते हैं अभी काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम में है। और इस तरह से मैंने ट्रैक करने के लिए उसको लिया था ताकि मैं इस स्टॉक को ट्रैक कर पाऊँ कब क्या तेजी है, क्योंकि बार बार हर स्टॉक को तो देख नहीं सकते डेली चार्ट पे। तो इसलिए मैं पोर्टफोलियो में एक दो क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ, एक दो क्वांटिटी से होता क्या है मैं उस स्टॉक को जो है ट्रैक कर पाता हूं कब स्टॉक के ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है। तो इस तरह से मेरा जो स्टॉक मार्केट का लर्निंग भी रहा है, मैं शुरू से स्टॉक मार्केट को इसी तरह सिखाऊं। पहले एक दो क्वांटिटी में बाय करता था, फिर 10 क्वांटिटी बाय करने लगा, अब मैं जो है 1000 क्वांटिटी बाय करता हूं, 100 क्वांटिटी बाय करता हूं किसी भी शेयर का, जो छोटे प्राइस के शेयर है, जो महंगे शेयर है तो थोड़ी कम क्वांटिटी में लेता हूं। तो इस तरह से कुर है, अभी तक मैंने इन्वेस्टमेंट में कभी भी लॉस नहीं किया है, लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसमें मुझे भी काफ़ी लॉस हुआ है। अभी जो है इंट्राडे के बारे में इसलिए मैं नहीं बताता हूँ इंट्राडे में, क्योंकि मैं खुद प्रॉफिटेबल धीरे धीरे हो रहा हूँ, जैसे जैसे प्रॉफिटेबल होगा तब आपको बताऊँगा इंट्राडे के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वीकली चार्ट मैंने लगाया है HLE ग्लासकॉट का, और ये स्टॉक आप कोई भी मतलब यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो सारे ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट देने वाला है। किस बहुत सारे ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे चुका है, कुछ को ब्रेकआउट देने वाला है। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन देखिए, ये जो कंसोलिडेट हो रहा था इसको तो ये ब्रेकआउट कर दिया पहले से, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बाय करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जो हम ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, जहाँ से आपको और ज़्यादा तेजी देखने मिलेगा अगर ब्रेकआउट होता है, वो है देख सकते हैं ये चार्ट, ये जो वीकली अप ट्रेंड वाला लाइन है, यहाँ से बार बार ये रिजेक्ट होता था। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है और यहाँ पर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो यहाँ पर RSI भी सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर RSI देखिए काफी स्ट्रॉन्ग है, अभी RSI का वैल्यू 80 है, और यहाँ से 80 से क्या होता है, अभी तो आप देखेंगे ओवरसोल्ड है, जो जनरल परसेप्शन होता है, पहले हम भी सोचते थे ये ओवरसोल्ड हो चुका है अब यहाँ से गिरेगा, ऐसा नहीं। यहाँ से अगर ये तेजी दिखाता है तो आपको एक से दो वीक में ये डबल भी हो सकता है। मतलब ये अभी 2500 रुपये का शेयर है तो यहाँ से ये 3000, 4000, 5000 भी जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाना है आपको। तो इसलिए कहते हैं जीरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए, वहाँ आप GTT ऑर्डर में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बस जो इसका लोअर सर्किट होगा, लोअर सर्किट से थोड़ा सा ऊपर प्राइस लगाइएगा, क्योंकि यहाँ से जो लोअर सर्किट होगा वो आपको दिखा रहा होगा, उससे थोड़ा ऊपर लगाना है ताकि सर्किट से पहले आपका स्टॉप लॉस बुक हो जाए। सर्किट का जो प्राइस है उससे कम पे लगाएंगे तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो ये छोटे शेयर में ये भी दिक्कत होता है, इसलिए हम मैं बार बार बोलता जो लिक्विड शेयर है उसी में आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर उसके लिए है जो थोड़ा सा लॉस वेयर कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा लॉस भी लगा तो उसको सह सकते हैं, उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होता है इस तरह के स्टॉक्स, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक उसमें जब मोमेंटम आएगा तो यहाँ से आपको 10% कहिए, 20% कहिए, 30% तो ईजिली मिल जाएगा एक सप्ताह में, अगर यहाँ से मोमेंटम करता है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है और यहाँ से मोमेंटम आता है तो जो 80 है, 80 से 90 होगा RSI, तो ये लगभग डबल हो सकता है ये स्टॉक। तो इतना ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ से आपको मिल सकता है, और ये भी हो सकता है कि बार बार यहाँ से रेसिस्टेंस फेस किया है इस ट्रेंड लाइन पर, तो यहाँ से ये स्टॉक फिर से यहाँ पर रेसिस्टेंस ले सकता है और फिर से यहाँ गिरावट आपको देखने मिल सकता है। तो ये आपको देखना है कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर के ट्रेड करना शुरू करें तब आपको यहाँ पर पोजीशन लेना है, और ट्रेड में तब तक बने रहना है जब तक आपको ये जो मूविंग एवरेज है, ये देख सकते हैं ये मूविंग एवरेज है हमारा 19 का, ये है 44 का, इसके बीच का डिस्टेंस जब तक बढ़ रहा है तब तक आपको इस ट्रेड में बने रहना है। ये भी होता है प्रॉफिट बुकिंग का, मतलब एक अच्छा कंसेप्ट। यहाँ पर आप देखिए यहाँ से डिस्टेंस बढ़ रहा था डिस्टेंस,
अब यहाँ पर देखिए धीरे धीरे डिस्टेंस जो है बढ़ना कम हो गया, जैसे डिस्टेंस बढ़ना कम हो गया तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। या आप करना क्या है, ये जो यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो वीकली चार्ट का जो दो कैंडल है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए। कहीं भी दो कैंडल आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपका हिट जब होगा तो उस समय ट्रेंड जब चेंज होगा तभी हिट होगा। तो वीकली चार्ट पे दो कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, कभी हिट नहीं होगा। जब आपका प्रॉफिट बुकिंग का एरिया आ जाएगा, मतलब जहाँ से स्टॉक को करेक्ट होना होगा, गिरना होगा, वहीं पर आपका जो स्टॉप लॉस हिट होगा। तो ये भी काफ़ी बेस्ट होता है, इसके लिए आपको अपना जो पोजिशन साइजिंग है वो अच्छे से करना पड़ेगा ताकि आपका लॉस जो है कुछ ज़्यादा नहीं हो। बाकी ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो निश्चित है यहाँ से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के एग्जिट होंगे। और स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, उसके लिए GTT ऑर्डर का यूज करना है तो जीरोधा में अकाउंट जरूर ओपन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जहाँ पर आप बास्केट ऑर्डर का यूज कर सकते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे में काफ़ी अच्छा होता है बास्केट ऑर्डर को यूज कर, पोजिशनल ट्रेडिंग में बास्केट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो काफ़ी GTT ऑर्डर है, बास्केट ऑर्डर काफ़ी सारे फीचर दिया है। चलिए इस स्टॉक के फंडामेंटल्स को जान लेते हैं। तो देखिए इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी बेहतरीन है, इसलिए मैं इस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करने की सलाह देता हूं। इन्वेस्ट करने का अभी तो बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए मैंने बताया है आपको जब मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक चल रहा हो तब इन्वेस्ट करना है, लेकिन उसी स्टॉक में जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। जैसे ये स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मार्केट कैप देख लीजिए मात्र 3190 करोड़ का है और कंपनी का जो अभी शेयर प्राइस है वो 2520 रुपया हाई बनाया है और अभी चल रहा है 2440 रुपया के आसपास। कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, 0.18% का डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है, कुछ खास नहीं है, क्योंकि छोटी सी कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है तो स्मॉल कैप में आपको डिविडेंड यील्ड कम ही देखने मिलेगा। प्रमोटर्स होल्डिंग 73.4% है, तो प्रमोटर्स होल्डिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है। वहीं कंपनी के ऊपर जो डेट है 78 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, और कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है 5 करोड़ का, और कंपनी के पास रिजर्व 77 करोड़ का है। तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डेट भी काफ़ी मतलब कम ही है, कुछ खास डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। अगर कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ है कंपनी का, सेल्स में देख सकते हैं कोई डाउट नहीं है, लगातार सेल्स इंक्रीज हुआ है। कंपनी का प्रॉफिट देख लीजिए 2009 मात्र 2 करोड़ था, लगातार 2 से 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, फिर यहाँ पर 2019 में एकाएक हो गया 18 करोड़ और फिर हो गया 38 करोड़, और अभी देख सकते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ पिछले 12 महीने में जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 45 करोड़ का है। तो दोस्तों कंपनी का जो सेल्स है, प्रॉफिट है, काफ़ी ज़बरदस्त इंक्रीज हुआ है, तो मतलब मैनेजमेंट जो है काफ़ी अच्छा कर रहा है इस कंपनी के लिए, काफ़ी शानदार मैनेजमेंट है कंपनी का। बैलेंस शीट देखेंगे तो रिजर्व जो है कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज हुआ था लेकिन फिर से काफ़ी इंक्रीज हुआ है रिजर्व। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो ये आपको दिखाता है पॉजिटिव साइन कंपनी में सितंबर 2019 में ही दिख चुका था, देख सकते हैं सितंबर 2019 में प्रमोटर्स होल्डिंग एकाएक जो है 50% से बढ़ गया। यहाँ पर देख सकते हैं 50% डायरेक्ट 74% हो गया, मतलब प्रमोटर्स का स्टेक जो है यहाँ से, जैसे यहाँ इसको 100% माने तो यहाँ हो गया 150%, मतलब 50% का इंक्रीजमेंट हुआ प्रमोटर्स होल्डिंग में। अपना जितना परसेंट होल्डिंग पहले था उससे आधे परसेंट, मतलब उससे आधा जो प्रमोटर्स अपना होल्डिंग इंक्रीज हुआ, तो इतना बड़ा प्रमोटर्स होल्डिंग जो इंक्रीज हुआ वो दिखाता है कंपनी में काफ़ी कुछ बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पर कंपनी में जो बड़ा है वो आपको शेयर प्राइस के चार्ट पे भी दिख रहा है। कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी कम का हुआ करता था, अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऑल टाइम हाई पे है। वहीं बात करें FIG 1% का होल्डिंग रखता है पब्लिक का होल्डिंग में, यहाँ पे भी देखेगा तो बहुत सारे जो बड़े बड़े मतलब पब्लिक में इन्वेस्टर हैं उन्हीं के पास है। यहाँ पर देख लीजिए 3.80%, फिर यहाँ पर 2.70%, फिर यहाँ पर 1%। तो इस तरह से रिटेलर के पास इस स्टॉक में मात्र 10 से 15% है, रिटेलर मात्र 10 से 15% में है और 74% प्रमोटर्स के पास है और बाकी जो है बड़े प्लेयर जो है मार्केट के उसके पास है। इतना बेहतरीन और इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले ये शेयर हैं, तो जब भी गिरावट मिले इन्वेस्ट करना है। अभी आप पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग जो भी आप बोलें उसके लिए ले सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग काफ़ी ज़बरदस्त होता है, तो अभी ये स्विंग ट्रेडिंग का समय है। यहाँ से अगर शेयर तेजी दिखाता है तो आप यहां से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और फिर प्रॉफिट लेके बाहर भी निकल जाएंगे, उसमें फंसना नहीं है क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है, तो यहां अच्छा खासा करेक्शन भी हो सकता है। ऐसे काफी कम उम्मीद है कि ये शेयर में यहां से आपको गिरावट देखने मिलेगा, काफी जबरदस्त ब्रेकआउट है और साथ साथ कंपनी का रिजल्ट काफी बेहतरीन आया है, फंडामेंटल का सपोर्ट है, कंपनी का फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है।
अगर कंपनी के बारे में डिटेल में जानना हो तो आप HLEglossquad.com पा सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, कंपनी मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग हैं, और कंपनी के प्रोडक्ट पर जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर इक्विपमेंट सेक्टर पर क्लिक करेंगे तो ये सारे कंपनी जो है प्रोडक्ट बनाती है। यहाँ पर रिसीवर्स देख सकते हैं, टैंक, हीट एक्सचेंजर, तो जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं वही प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। जनरली जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं वो सारे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, तो काफ़ी बेहतरीन है। और कंपनी का जो प्रॉफिट है, सेल्स है, काफ़ी इंक्रीज हुआ है क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद यहाँ पर एसोसरीज में देखिएगा तो बल्ब्स, पाइप्स और फिटिंग्स ये कंपनियाँ बनाती है एसोसरीज में। उसके बाद कोड और स्टैंडर्ड्स यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये तीन तरह के प्रोडक्ट हैं जो कंपनी बनाती है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस स्टॉक का। और इस स्टॉक के आप हिस्ट्री को देखेंगे तो पहले शेयर प्राइस काफ़ी कम हुआ करता था, जहाँ से यहाँ पर गजब का तेजी देखने मिला जब से प्रमोटर्स का स्टेक इसमें इंक्रीज हुआ है। देख लीजिए प्रमोटर्स का स्टेक यहाँ पर इंक्रीज, यहाँ पर देख लीजिए कंपनी का शेयर प्राइस मात्र 180 रुपया हुआ करता था 2019 से पहले, और वहाँ से 150-180 रुपये से कंपनी का शेयर प्राइस अभी 2500 रुपये पहुँच चुका है, जो कि प्रमोटर्स ने अपना स्टेक जब बढ़ाया है उसी समय रिफ्लेक्ट हो गया था कि कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है, जो कि कंपनी के सेल्स में ग्रोथ और प्रॉफिट में ग्रोथ देखने मिला, और वो हिस्टोरिकल ग्रोथ है कंपनी का। यहाँ पर देखिएगा तो प्रॉफिट और सेल्स जो काफ़ी कम हुआ करता था, एकाएक देख सकते हैं यहाँ से सेल्स कितना हो गया, लगभग चार गुना हो गया, और प्रॉफिट देख लीजिए यहाँ से डायरेक्ट जो है ये प्रॉफिट भी लगभग 3 गुना, फिर यहाँ पर अगले साल यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट 7 गुना प्रॉफिट लगभग 7 टाइम्स बढ़ गया। तो इतना ज़्यादा जंप हुआ, जो कि प्रमोटर्स का स्टेक इंक्रीज हुआ, तो वो दिखा रहा था कंपनी में काफ़ी कुछ बड़ा होने वाला है। तो इस तरह के फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसी में आपको इन्वेस्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपके लिए हम आगे भी लेकर आते रहें। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है। आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है, और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है। कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।